हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। जब सब्जी के लिए कुछ भी ना मिले और आप सोचें कि क्या सब्जी बनाएं, कुछ अलग से बनाएं, तो बनाइए ये प्याज वाली सब्जी। हमने बेबी अनियन, ये छोटे वाले अनियन लिए हैं, उनको छील कर अच्छे से धो लिया है और ये 300 ग्राम के करीब है। कसूरी मेथी है, 3 मीडियम साइज के टमाटर को हमने पीस लिया है, 1 बड़े प्याज को काट लिया है, 2 हरी मिर्च ली हैं, आधा कप दही को मत कर ले लिया है, फेंट लिया है, 5 लहसुन की कलियों को कूट लिया है, थोड़ा सा हींग लिया है, 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, नमक स्वाद के अनुसार लिया है, किचन किंग मसाला आधा चम्मच लिया है, आधा चम्मच हल्दी है और जीरा पाउडर है आधा चम्मच। और ये हमने लिए हैं राई 1/4 टीस्पून, सरसों 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून के करीब है ये कुटी हुई सौंफ। ऊपर से हमने ले लिया है ये मस्टर्ड ऑयल, जिसको हमने गर्म करके ठंडा कर लिया है, 3 टेबलस्पून लिया है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए प्याज में ना हमने ऐसे पीछे से कट लगा लिया है, प्लस का ऐसे कट लगा लिया है, सभी प्याज में धोकर सुखाकर अच्छे से कट लगा लिया है ताकि मसाला जो है इसमें अच्छे से भर जाए। हमने एक दाना जीरे का डाल के देखा है और ये तेल जो है वो गर्म हो गया है। बहुत तेज हमें गर्म भी नहीं करना एकदम, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी गर्म करके ठंडा कर चुके हैं। तो ये देखिए हमने राई, सरसों, जीरा ये सब डाल दिया है और इसी के साथ डालेंगे हम इसमें ये सौंफ। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। मसाला भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और ये लहसुन कुटा हुआ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। गैस को स्लो रखेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। और इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। और ये देखिए प्याज भुनना शुरू हो गया है, हल्का पिंक हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, थोड़ा मीठा हो जाता है प्याज इस समय। इस समय हमें इसमें डालने हैं ये मसाले और हींग। तो सबसे पहले हम 1/4 टीस्पून इसमें हींग डालेंगे। अगर ज्यादा तेज हींग है तो आप कम यूज कीजिए। इसको भी 1 सेकंड के लिए ऐसे भून लेंगे। हींग की खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी आती है। ये राजस्थान की प्रसिद्ध सब्जी है। इसमें हम डालेंगे ये सारे मसाले। नमक चाहें तो आप टमाटर डालने के बाद डाल सकते हैं, बट हल्दी और लाल मिर्च आप इसी समय डालिए। गैस को बिल्कुल धीमा रखिए ताकि मसाले जो हैं वो आपके जले नहीं और कलर जो अच्छा है। इस तरह से हमने इसको भून लिया है। इसके साथ ही साथ हम डाल देंगे ये टमाटर की प्यूरी जो हमने ऑलरेडी पीस के रखा हुआ है। इसको करते हैं मिक्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इसको अब हम अच्छे से भूनते हैं। जब तक तेल छूटे तब तक हमें अच्छे से इसको भूनना है टमाटर को। हमने इसको ढककर पकाया है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल जो है वो छूट गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस को 1 मिनट के लिए ऑफ कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें मसाले में ये ऑयल निकल आया है। और जितना अच्छा मसाला भुना होगा ना, देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है। हमने हैवी बॉटम पैन लिया है, आप चाहें तो नॉन स्टिक में बना सकते हैं। ये देखिए तो अब हमने गैस को कर दिया है ऑफ, क्योंकि अब हम इसमें दही डालने वाले हैं। दही को मैंने ना फेंट लिया विस्कर से, एक बार आधा कप दही को ऐसे फेंट लिया है। और ये ताजी होनी चाहिए, खट्टा दही नहीं यूज करेंगे। और इसको हम मिक्स करेंगे। एक बार पहले गैस बंद करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये टिप है ताकि दही जो है वो फटे नहीं। अगर गैस तेज होती है, जो आग है वो तेज जली हुई होती है ना, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि
दही फट जाती है और वो दाने दाने जैसे से दिखने लग जाता है। तो अब हम गैस को ऑन करते हैं। गैस को ऑन कर लिया है और जब तक इसमें एक बॉईल आता है ना, तब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। जैसे हम कढ़ी बनाते हैं ना बेसन की, जब तक उसमें उबाल आता है हम चलाते रहते हैं, तो ऐसे ही हमें इसे एक उबाल आने तक चलाना है। देखिए बिल्कुल भी फटी नहीं है, आप पास से देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छे से बनी है। अब देखिए ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है, मिक्स हो गई है ये बहुत अच्छे से। इस समय हम इसको ना ढककर पका सकते हैं। ग्रेवी को हम ढक देंगे, गैस को धीमा कर देंगे और इसका तेल अलग होने तक हम इसको पकाएंगे। तो आइए चेक करते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया ये ग्रेवी बनी है, बहुत ही बढ़िया। तो ये ग्रेवी भुनने का साइन है, बहुत अच्छे से ये भुन गई है ग्रेवी। अब हम डालेंगे इसमें ये प्याज, जो अच्छे से हमने धोकर और कट लगा लिया है। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप देखिए। एक मिनट हम इसको ऐसे भूनेंगे। देखिए आप चाहें तो इस ग्रेवी को थोड़ा पतला कर सकते हैं, मगर मैं यहां आपको कहना चाहूंगी, अगर आप पानी डाल रहे हैं ना, तो ऐसे जैसे मैंने पहले से गर्म करके रखा है, तो ग्रेवी में आप गर्म पानी डालिए ताकि सब्जी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा रहे। तो मैंने बहुत कम पानी डाला है। इसको एक बार मिक्स करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना थिक ग्रेवी में ही अच्छी लगती है। मिक्स करके और अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, बट प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है अच्छे से। ये देखिए हमने खोल के देखा है, 3 से 4 मिनट इसको पकते हुए हो गया है प्याज को। अब मैं इसमें क्रश करके ना कसूरी मेथी डाल रही हूं, हाथ से क्रश कर देंगे। अगर आपकी कसूरी मेथी थोड़ी सीली हुई है ना, तो उसको आप तवे पर एक बार रोस्ट करें हल्का सा, बहुत धीमी गैस पे, ताकि वो जले नहीं, और फिर इसको डालें तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और 2 पिंच मैं डाल रही हूं इसमें गरम मसाला। देखिए कितना सुंदर ये कलर आ रहा है, घर का पिसा गरम मसाला है, बहुत ही यमी लग रहा है। एक बार इसको चला देंगे अच्छे से और फिर से हम इसको ढकेंगे। तो 7 to 8 मिनट्स इसमें लग जाती हैं। सब्जी चेक करते हैं। ये देखिए हमारी जो सब्जी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। आप देखिए तेल छूट गया है, प्याज भी आपको दिख रहा है सॉफ्ट हो गई हैं अच्छे से। अब हम इसको थोड़ा सा हरे धनिए से गार्निश करते हैं और इसकी करते हैं प्लेटिंग, गैस ऑफ करते हैं। बहुत बहुत यमी सब्जी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए हमारी ये यमी सी सब्जी बनकर तैयार है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आप खाते रह जाएंगे, आप कोई और दूसरी सब्जी खाना नहीं चाहेंगे अगर ये बनी है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।